प्रॉपर टैक्सिंग के तमाम सरकारी महकमों को करप्शन फ्री बनाने के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार लाए जा रहे हैं। डीसी टोबा जाहिद सुहेल का मौका। डीसी टोबा जाहिद सुहेल ने अचानक तहसील ऑफिस टोबा का विजिट किया और मुख्तलिफ सरकारी दफातर की सफाई सुथराई चेक की और इसे मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया। इस मौका पर आईओ मोहम्मद शहबाज अंसारी, एओ इलियास अकरम, प्रेस फोटोग्राफर मलक महमूद नासिर समेत सीनियर सहाफी बुरहान बाबर, मकबूल तारिक, मलक मंजूर हुसैन फरीदी, वसीर और गोजा के नौजवान सहाफी मियाँ हसन खालिद और मियाँ अरसलान भी मौजूद थे। जाहिद सुहेल ने रजिस्ट्री इंतकाल और फर्द मलकियत के असूल के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर मौजूद साइलीन से आउट माफिया के बारे में दरियाफ्त किया गया। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसी जाहिद सुहेल ने कहा कि जिला भर के तमाम सरकारी महकमों के करप्शन के खात्मे के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार लाए जा रहे हैं। डीसी जाहिद सुहेल ने शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और कहा कि तमाम सरकारी दफातर में शहरियों के बैठने के लिए साफ सुथरी और सायादार जगह का बंदोबस्त किया जाए और पीने के लिए ठंडे पानी और पंखों का इंतजाम भी किया जाए। इस मौका पर मौजूद अफसरों और अहलकारों को हदायत की कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी और फर्ज जनाजी से अदा करें। शहरियों से बदअखलाकी करने वाले अहलकार को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट करे थे टोबा टैक्सिंग से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मकबूल तारिक।